इधर मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना तलकपुरा में घर घर में शराब बिक रही है, जिसके खिलाफ ग्रामीण एकजुट नजर आए और जनसुनवाई में पहुंचकर शराबबंदी की मांग की। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी कर धरना दिया। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी को कलेक्ट्रेट तलब किया है, जिसके बाद आबकारी अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि तत्काल टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांगे गांव में अवैध शराब। तुम आ जाओ ना पत्नी से और आई जाओ। छोटे बच्चे पी रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पी रहे हैं शराब। तो नहीं मानते नहीं हो तो फिर बेचने वाले तो बेचे। छोटे से छोटे बच्चे भी सब पी रहे हैं। सर इसके ज्यादा बच्चा पी रहे हैं। जामिया सतावर क्या हुआ था? मेरा एक ही लड़का था, वो भी शराब के मर गया था। 35 साल की उम्र थी, 3 बच्चे छोटे छोटे, और मेरा आदमी भी अंधा है। उनको आँखों से दिखता नहीं दोनों? बिल्कुल नहीं दिखता। और मेरी बहू को भी कम दिखता है, जो मर गया ना मेरा लड़का उसको भी बिल्कुल कम दिखता है। हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है तो मेरा आदमी तो दोनों आँख से बंद अंधे। क्या मांग करी आपने यहाँ पर? दोनों दारू बंद करो, कच्ची पक्की दोनों। कितनी दुकानें हैं वहाँ पर? बहुत है साहब। तलकपुरा से आया है ना, और अवैध शराब के शिकायत के लिए आप कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देना है, ठीक है? और कच्चे पक्के अवैध शराब पूरी बिल्कुल बंद करना चाहते हैं करम तलकपुरा में। उसके लिए हम आवेदन लेके कलेक्टर ऑफिस आए थे। महोदय से यहाँ पर ने आवेदन भी दिया और दे भी दिया और आपको यहाँ बिठा के रखा है, और उसके बावजूद अभी साफ आ रहे हैं ग्राम पंचायत में तलकपुरा में। क्या परेशानी आ रही? परेशानी यही रह रही है, नौ हुआ जवान। अभी हमारे गांव में 2 केस हो चुके हैं, ठीक है? उसके गांव में मतलब 2, एक सुबह मरा और एक शाम को मरा, 2 केस एक दिन में हो गए। एक महीने में ऐसा 19 मौत हो चुकी है हमारे गाँव में। इसलिए हम आवेदन लेके, पूरी महिलाओं को आवेदन लेके यहाँ पे आए हैं कलेक्टर ऑफिस। पूरा मामला, काफी सारी महिलाएं आई थी अभी, उन्होंने बताया कि उनके गांव में काफी मात्रा में खासतौर से कच्ची शराब की, वो बता रही हैं कि आसपास के सतावर वगैरह गांव से कच्ची बना करके बेच रहे हैं यहाँ पर, और गाँव वालों ने प्रस्ताव पारित किया है कि उनकी गाँव में अब कोई शराब वगैरह नहीं बिकेगी। अब हम पूरे जो है टीम के साथ में आज से ही कार्रवाई शुरू।